Alpha Education। Assalamualaikum students, welcome खुशामदीद on my YouTube channel Alpha Education। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सोशो लिंग्विस्टिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है मैक्रो सोशो लिंग्विस्टिक्स एंड माइक्रो सोशो लिंग्विस्टिक्स। ये आज का लेक्चर नंबर 3 है और ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू अल्फा एजुकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलिए टाइम वेस्ट के बगैर आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सोशो लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज एंड सोसाइटी इंटरसेक्ट। ये मैं पहले ही लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है, बट मैं जस्ट एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि लैंग्वेज और सोसाइटी एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, इनका रिलेशन क्या है, इस चीज़ को हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ सोशल फैक्टर्स सच एज एथनिसिटी, जेंडर, एज एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस लैंग्वेज यूज़, वेरिएशन एंड चेंज। के जो सोशल फैक्टर्स हैं जैसे कि एथनिसिटी है, जेंडर है, एज और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये किस तरह लैंग्वेज यूज़, लैंग्वेज वेरिएशन और लैंग्वेज चेंज को इन्फ्लुएंस करती है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स में। द स्टडी ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ कैटेगराइज्ड मेनली इन 2 क्लासेस। अब सोशल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी को हम मेनली 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें है मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स। दीज क्लासेज आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, की कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ईच क्लास। यानी ये जो 2 क्लासेस हैं मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये अपनी स्कोप, ये की कंसेप्ट्स जो इसमें हैं, इनके मेथड्स और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, इन बेसिस पे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। वी विल डिस्कस द फॉलोइंग इन टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इन दोनों क्लासेस के हवाले से क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनके डेफिनेशन, इनके की कंसेप्ट्स, इनमें जो मेथड्स यूज़ होते हैं और साथ ही साथ में इनकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे इन जनरल टर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स की और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स ऑल्सो नोन एज वेरिएशनिस्ट सोशल लिंग्विस्टिक्स फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग हाउ इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स यूज लैंग्वेज इन वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट। कि माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स को वेरिएशनिस्ट सोशल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। अब ये फोकस किस चीज़ पे करती है कि कुछ इंडिविजुअल्स या फिर एक स्मॉल ग्रुप्स, ये किस तरह एक वेरियस सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज़ करती हैं, ये चीज़ हमारे पास इंक्लूड होती है माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में। ऑल्सो कॉल्ड सोशो लिंग्विस्टिक्स। चूँकि हम ज़्यादातर जो चीज़ें माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करती हैं वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स में, तो इसको सोशो लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। लैंग्वेज इज़ द फोकस ऑफ द स्टडी। माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में जो हमारा फोकस होता है मेनली वो लैंग्वेज पे होता है कि लैंग्वेज का यूज़ सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है और लैंग्वेज यूज़ कैसे होती है। हाउ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज अफेक्ट द सोसाइटी, के यूज़ ऑफ लैंग्वेज सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। फोकस हमारा किस चीज़ पे होता है? लैंग्वेज पे और लैंग्वेज के यूज़ पे। माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स फोकस ऑन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन स्मॉल स्पेसिफिक सेटिंग्स और कम्युनिटीज़। यानी स्मॉल और स्पेसिफिक सेटिंग और कम्युनिटीज़ में लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को हम माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में देते हैं। कैसे कि मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का मतलब कि या तो वो कोई वर्क प्लेस हो सकता है, या तो फिर वो एक घर हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, या फिर तो एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा हो सकता है लाइक स्कूल। स्कूल में लैंग्वेज बच्चे कैसे यूज़ करते हैं, इसी तरह एक फैमिली में बच्चे लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं, एक वर्क प्लेस पे लोग लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं। तो एक स्पेसिफिक सेटिंग और एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ में लैंग्वेज की स्टडी को फोकस करना, ये किसका एक पर्पस होता है माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स का। अब इसके की कंसेप्ट्स क्या है, मैं जस्ट आपको जनरली बता दूंगा कि की कंसेप्ट्स आर स्पीच कम्युनिटीज़, सोशल वेरिएबल्स एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स। स्पीच कम्युनिटीज़ कहते हैं स्पीच कम्युनिटी, यानी जब कुछ लोग एक तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कॉमन लैंग्वेज, मतलब उनकी लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज हो वो एक सिंगल लैंग्वेज हो और एक तरह की लैंग्वेज यूज़ करे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, तो वो एक स्पीच कम्युनिटी क्रिएट करती है। सोशल वेरिएबल्स, यानी इसमें हम सोशल वेरिएबल्स को देखते हैं माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में। सोशल वेरिएबल या सोशल फैक्टर्स जो मैंने पहले लेक्चर में बताए थे कि एज, जेंडर, क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर, ये जो सोशल वेरिएबल्स है, इस चीज़ को भी, ये भी कोई की कंसेप्ट्स हैं माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स की। और इसी तरह लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के लैंग्वेज के जो वेरिएबल्स आ जाते हैं, इसी तरह साउंड्स, प्रोनंसिएशन और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं लैंग्वेज के, वो हम स्टडी करते हैं माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में। अब देखते हैं मेथड्स इन माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स। ये वो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हम सोशल लिंग्विस्टिक यानी माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हुए यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। Researchers immerse themselves in the speech community. They are studying, observing and recording language use in various contexts. Students, वो जो researchers हैं जो कि माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को इमर्स करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं स्पीच कम्यूनिटी में। जिस स्पीच कम्यूनिटी को रिसर्चर स्टडी करता है वो अपने आप को इसमें इंक्लूड करवाता है, इमर्स करता है। और करते क्या है, वो ऑब्ज़र्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं लैंग्वेज यूज़ को वेरियस कॉन्टेक्स्ट में। यानी एक रिसर्चर अगर किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज कम्युनिटी को स्टडी कर रहा है तो वो क्या करता है कि वो उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है और वहाँ पे फिर वो क्या करता है कि वो लैंग्वेज यूज़ को, मतलब वेरियस कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज के यूज़ को रिकॉर्ड भी करता है और साथ ही साथ में ऑब्ज़र्व भी करता है। उसके बाद है इंटरव्यूज़। Researchers conduct interviews with community members to gather information about their language choices and attitudes. माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में सेकेंड मेथड क्या है कि रिसर्चर्स क्या करते हैं, अगर वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन कम्युनिटी के मेंबर्स को इकट्ठा करके, मतलब उनसे, उन कम्युनिटी के मेंबर्स से इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है उनके लैंग्वेज चॉइसेस के बारे में और उनके लैंग्वेज के एटीट्यूड्स के बारे में। थर्ड है अकोस्टिक एनालिसिस। This involves using technology to analyze speech sounds, examining features like pitch, duration, and vowel quality. It helps researchers identify patterns of variation. अब acoustic analysis में क्या होता है कि researchers टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और टेक्नोलॉजी को किस लिए यूज़ किया जाता है कि वो कुछ स्पीच साउंड्स को एग्जामिन करे, उनके मुख्तलिफ फीचर्स जैसे पिच है, ड्यूरेशन है और वोवल क्वालिटी है, कि कौन से कम्यूनिटी के लोग किस तरह के वोवल यूज़ करते हैं, उनकी पिच कैसे होती है, उनका लैंग्वेज का ड्यूरेशन क्या होता है स्पीच में। इन चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इससे हेल्प क्या होती है कि वो मुख्तलिफ़ तरह के जो पैटर्न है, जो मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएशन के पैटर्न्स हैं, उनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस। दिस नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन फील्ड सच एज एजुकेशन। यानी जो माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी है, इसको हम मुख्तलिफ फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल है एजुकेशन की, वेयर अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट्स अडॉप्ट देयर लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कैन लीड टू मोर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। यानी माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी हमें हेल्प कर सकती है कि हम इसको अप्लाई करें एजुकेशन की फील्ड पे। अब एजुकेशन की फील्ड पर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह की लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। और जब हमें उनकी इस एडेप्टेशन की समझ आ जाएगी तो हम एक इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को फ्रेम कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को, और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स एग्जामिन लैंग्वेज वेरिएशन एंड चेंज अक्रॉस इंटायर सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़। मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज वेरिएशन और लैंग्वेज चेंज को देखते हैं जो कि अकर करती है इंटायर सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ में। ये किसी स्पेसिफिक सोसाइटी और किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात नहीं होती, इसमें इंटायर सोसाइटीज़, एक लार्ज स्केल पे हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। इट स्टडीज़ व्हाट सोसाइटीज़ डू विद लैंग्वेज एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस ऑन लैंग्वेज। अब मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या स्टडी करती है कि व्हाट सोसाइटीज़ डू विद लैंग्वेज। अब माइक्रो में हमने क्या पढ़ा कि लैंग्वेज का क्या इफेक्ट है और लैंग्वेज फोकस होती है स्टडी की, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हाट सोसाइटीज़ डू विद लैंग्वेज एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस ऑन लैंग्वेज। हमारे सोशल इंटरेक्शंस का लैंग्वेज पे क्या असरात होते हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में। सोसाइटी इज़ द फोकस ऑफ स्टडी। मैंने यही बात बताई कि सोसाइटी हमारी फोकस होती है और हम पढ़ते हैं सोशल इंटरेक्शंस को, और वही सोशल इंटरेक्शंस लैंग्वेज को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ये चीज़ हम स्टडी करते हैं मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में। ऑल्सो कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, यानी माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स को सोशल लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है और मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स को सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। It explores the impact of historical events, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स ऑन लैंग्वेज यूज़। अब इस चीज़ में हम किस चीज़ के लाइक मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में हम हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर्स का इम्पैक्ट देखते हैं लैंग्वेज यूज़ पे। अब इसके की कंसेप्ट्स क्या हैं? की कंसेप्ट्स आर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, लिंग्विस्टिक लैंडस्केप्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब कि जो हमारे पास सोशल हायरार्कीज़ हैं और सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको अगर हम एग्जामिन करें तो ये कहीं ना कहीं पे कोरिलेट करती हैं हमारे सोशल फैक्टर्स के साथ, जिसमें क्लास आ जाती है, एथनिसिटी आ जाती है और जेंडर आ जाता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं हम देख सकते हैं कि अगर कहीं पे लैंग्वेज में मतलब जो हमारी सोसाइटीज़ की जो क्लासेस में डिफरेंस आता है, यानी जो सोशल हायरार्कीज़ है या फिर इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको हम लैंग्वेज के साथ कंपेयर करके एक तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक लैंडस्केप का मतलब है कि जो विजिबल प्रेजेंस है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, इसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। यानी आपने देखा होगा कि एक ही सोसाइटी में हमारे पास एक लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस प्रेजेंट होती हैं। हम डिफरेंट साइंस के थ्रू देख सकते हैं, डिफरेंट एड्स एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह लैंग्वेज पॉलिसी के जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन चीज़ों को स्टडी करना, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है लैंग्वेज के हवाले से, उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में। अब हमारे पास है मेथड्स इन मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल एनालिसिस ये पहला मेथड है व्हाइल स्टडीइंग मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स। रिसर्चर्स ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट। हिस्टोरिकल एनालिसिस में क्या होता है कि लैंग्वेज के एवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ लैंग्वेज कैसे एवॉल्व हो रही है, उसकी एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह इसको कहते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस। Language surveys. Surveys are conducted to collect data on language use and attitudes across a large population. अब language surveys क्यों की जाती है कि एक large population से language के हवाले से, language के यूज़ और language के attitudes के हवाले से data collect किया जाता है और उन collected data की basis पे फिर policies बनाई जाती हैं। तो large survey लार्ज population से जो survey किया जाता है, ये एक method है जो कि include होता है मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में। थर्ड है पॉलिसी एनालिसिस। मैंने बताया कि जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, रिसर्चर्स एनालाइज लैंग्वेज पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज कम्युनिटीज़। यानी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अप्लाई की जाती है लैंग्वेज के हवाले से, उन पॉलिसीज़ को एनालाइज करना, उनका इम्पैक्ट क्या है लैंग्वेज कम्युनिटीज़ पे, ये एक मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी में। एप्लीकेशंस इसकी क्या है? दिस नॉलेज कैन इन्फॉर्म पॉलिसी मेकर्स इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसीज दैट रिस्पेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड प्रमोट सोशल कोहेजन। यानी ये जो नॉलेज है मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स का, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है पॉलिसी मेकर्स को। यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर उनके पास ये नॉलेज पहुंच जाए मैक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स का, तो फिर वो एक तरह से हेल्पफुल होगा कि एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जो कि इंक्लूसिव हो। लैंग्वेज इंक्लूसिव पॉलिसीज़ वो होती हैं जो कि बाकी लैंग्वेजेस को अपने साथ मिलाती हैं, उनको अलग नहीं करती। तो ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जाएँ जो कि इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसीज़ हों, और वो पॉलिसीज़ क्या करें कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में, उसकी रिस्पेक्ट कर सकें। यानी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे सोसाइटीज़ में पाई जाती है, हमारी कम्युनिटीज़ में, वो पॉलिसीज़ उन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करे और इसी तरह प्रोमोट करे सोशल कोहेजन को। यानी सोशल कोहेजन के हम सोसाइटी में कोहेजन लेके आए, यकसानियत लेके आए, हम लैंग्वेज की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन न करें। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आज के लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह के अमान में।